नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। जाली नोट बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश, 5 साथी अभियुक्त गिरफ्तार। 1,00,000 से ज्यादा के जाली नोट व जाली नोट बनाने के उपकरण बरामद। पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जाली नोटों के कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक थाना अध्यक्षों को दिए थे, जिसमें थाना नगर पुलिस को जाली नोट बनाने वाले गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर लक्ष्मीकांत गौतम के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक को नगर में पुलिस टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबरी खास की सूचना पर जाली नोट बनाने वाले गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1,28,050 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 15,000 के असली नोट व जाली नोट बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। उक्त अभियुक्त गड़ों का एक संगठित गिरोह है, जिसका संरगना अर्जुन गोस्वामी है, जो काफी दिनों से अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर जाली नोट छापने का कारोबार किया करते थे तथा बाजार में सभी असली नोटों के साथ जाली नोटों की खपत किया करते थे। लेकर श्री लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज गोंडा में जो है, तो यहाँ के प्राचार्य महोदय ने कल अवगत कराया था कोतवाली नगर को कि उनके बीएससी के किसी क्लास में बैठ कर के कुछ लोगों ने अवैध असलाह लेकर के वीडियो डाले हुए सोशल मीडिया फोटोग्राफ चल रहे हैं। उनकी उस सूचना पर कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम के द्वारा काम किया गया, तो शुभम और सुबोध दो लड़के मिले, इनके कब्जे से अवैध असलाह बरामद किया गया है और उन दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और इसमें और भी जांच की जा रही है कि इनके साथ में जो तीसरा लड़का है वो कौन है, और इसमें ये भी जानकारी कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों को असलाह कहाँ से मिले थे, और भी जो भी है इसमें जानकारी की जा रही है।